दिल्ली सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच महाभारत तो है ही। इधर दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी का पूरा कब्जा हो चुका है। लंबी खींचतान के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय मेयर चुनी गई, तो आले मोहम्मद इकबाल को डेप्यूटी मेयर के पद के लिए चुना गया। बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 116 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 150 वोट मिले। हालांकि एमसीडी के चुनाव के नतीजों से देखें तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा शुरू से ही भारी था। हालांकि मनोनीत सदस्यों के चुनाव करने को लेकर बहुत लंबी खींचतान हुई, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और वहां पर मनोनीत सदस्यों को चुनाव ना करने दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, तो उसके बाद फिर अब स्थिति पूरी तरह से साफ है, जब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी का चुना गया।